नमस्कार फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ शाम के यानी कि रात के साढ़े आठ बजे से खाना पीना मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं साढ़े आठ बजे खाना पीना खा लेती हूँ और उसके बाद मैं लेटती हूँ लेकिन आज फ्रेंड्स मैं लेटूंगी नहीं आज मुझे थोड़ा सा काम करना है क्या काम करना है इसको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब करते टाइम बैल के नोटिफिकेशन और को क्लिक करना मत भूलेगा जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो यहां पर अभी मैं हूं किचन में और किचन में गर्म कर रही हूँ दूध तो दूध को गर्म करके मैं रख दूंगी और थोड़ा सा दूध मैं यहाँ पर पीऊँगी अगर मुझे पीना नहीं होता तो दूध मैं सुबह ही गर्म करती तो इसलिए मैं दूध को गर्म कर ले रही हूँ तो एक दूध जो है वो थोड़ा सा कल का है और परसों का है और एक जो दूध है वो आज का ही है तो उसको गर्म कर ले रही हूँ मैं गर्म करके रख दूंगी और यहाँ देखिए एक दूध ये रखा हुआ है छोटे गैस पर रख दिया है एक ये है तो मलाई वाला जो दूध है वो मैं ले लूँगी अभी पी लूँगी तो आप लोग दिया रात को दूध पीते हैं या नहीं पीते हैं आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी मुझे बताना मत भूलिएगा कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा यहाँ देखिए दूध गर्म हो चुका है तो दूध जो सुबह चाय के लिए मैं रखूंगी वो तो मैंने यहाँ पर रख दिया है उसको मुझे केयरफुली रखना पड़ता है क्योंकि आप सभी को पता है मेरे यहाँ बिल्ली है तो बिल्ली जरा सा भी अगर मैं चूक जाती हूँ दूध को रखने से तो फटाफट से वो दूध को साफ कर जाती है तो यहाँ पर जो दूध सुबह चाय बनाएंगे वो तो मैंने यहाँ पर रख दिया है अब करते हैं हम लाइट को ऑफ और चलते हैं अपनी दुकान में तो वहीं बैठ के मैं यहाँ पर अपना जो दूध गर्म किया है उसको मैं फिनिश करूंगी उसके बाद में मुझे करने हैं कुछ कपड़ों की फिटिंग करनी है और वो कपड़ों की फिटिंग मुझे इसलिए करनी है फ्रेंड्स क्योंकि कल सुबह मुझे जाना है थोड़ा सा किसी काम से और इतनी जल्दी मैं कपड़ों की फिटिंग नहीं कर पाऊंगी और फिर तो सेट कर है, करते हैं और कौन कौन से कपड़े मुझे यहाँ पर फिटिंग करने हैं और किस किस कपड़े में मुझे यहाँ पर ऑल्टर करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ देखिए कैमरे को मैंने यहाँ पर रख दिया है यहाँ पर मशीन को मैं इस साइड रखूंगी जिससे सोफे पे बैठ के मैं उसमें फिटिंग कर सकू तो आप कहा से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अभी यहाँ देखिए हमारी मशीन इस तरह से सेट हो गई है जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि कितना भी सेट कर लो सामान तो एक्स्ट्रा हो ही जाता है मशीन पे तो आप यहाँ देख सकते हैं मुझे जवाई आ रही है यानी कि मुझे नींद आ रही है ये है गाउन इसकी मुझे फिटिंग करनी है अब से दो से तीन दिन पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया था और ये वैसे ही वीडियो दो दिन लेट हो गई है आने में और ये देखिए यहाँ पर मुझे इसको अल्टर करना है हैवी साइज है इसका और इसको स्मॉल साइज में अल्टर करना है सबसे पहले इसको उल्टा कर लेते हैं और इसकी मेजरमेंट क्या होगी ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी यहाँ पर कि किस मेजरमेंट से हमें इसकी फिटिंग करनी है तो यही होता है ज़्यादातर कपड़े अगर हमें देने होते हैं तो काम हमें लेट नाइट करना पड़ता है अगर हमें कहीं जाना होता है तो वो भी हमें करना होता है तो इसीलिए लिए यहाँ पर देखिए मैं लेट नाइट काम कर रही हूँ और ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं आज सोऊँगी और अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर कल मैं जो जाना है किसी काम से अगर मैं वापस आऊँगी तो थकान की वजह से मेरा मन नहीं करता है कि मैं आते ही आते काम में लग जाऊँ तो इसलिए मैं इस टाइम पर काम कर रही हूँ क्योंकि नींद तो वैसे भी थोड़ा कम ही आती है देर से ही आती है तो मैंने सोचा इतनी देर मैं बिस्तर पे लेटूंगी या वीडियो एडिट करती है तो मैंने कहा चलो काम ही कंप्लीट कर ले रहे हैं अभी यहाँ पर चार चार इंची ये एक्स्ट्रा है दोनों साइड से आप देख सकते हैं मैंने दो से ढाई ढाई इंची यहाँ पर मार्क लगा लिया है इस तरह से ऊपर की साइड से और इस पर स्टोन लगे होते हैं तो गाउन की फिटिंग करने से पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि उसमें जो स्टोन है वो हमें निकाल लेने चाहिए क्योंकि अगर वो हम नहीं निकालेंगे तो हमारी जो सुई है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है टूट जाती है तो यहाँ देखिए इस तरह से जितने भी हमारे यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन पे जो स्टोन लगे हुए हैं उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके होती है फिटिंग लगाना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है लेकिन फिर भी अगर कपड़ा हमारे यहाँ पर कैन कैन लगी होती है या फिर उसमें बुकरम इस तरह से होते हैं स्टोन हमारे कैसे लगे होते हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान से मशीन को चलाना होता है हल्के हाथों से और जब हमारी मशीन वहाँ पर चल जाती है तो फिर हमें दिक्कत नहीं रहती है तो इसलिए स्टोन इस का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप फिटिंग लगाते समय तो यहाँ से मैंने इसकी ये मार्किंग कर दी है अभी देखिए यहां से अंदर की साइड में इसमें जो स्टेप लगी होती है डोरी लगी होती है उसको हम यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा अगर आपके गाउन में या फ्रॉक में किस तरह की फिटिंग लगा रहे हैं आप तो जो डोरी लगी होती है उसको जरूर सीधा कीजिएगा क्योंकि डोरी फिर हमारी सीधी नहीं रहेगी तो फिर हमें दोबारा से उसको सिलाई को खोलना पड़ेगा तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और जहां तक हमारी कमर की फिटिंग है यहां तक तो मैंने मार्क लगा लिया है और यहाँ से देखिए नीचे को तिरछा करते हुए जितनी भी हमारे यहाँ पर लेयर है गाउन की इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ से मिलाते हुए इस सिलाई को तिरछी की तरफ नीचे की तरफ मिला देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमारे यहाँ पर गाउन की फिटिंग हो जाती है लग तो रहा है आसान है लेकिन जब हम इसको लगाते हैं तो थोड़ा सा भी कपड़ा हमारे इधर उधर हो जाता है तो हमें वहाँ पर झोल दिखाई देती है अब झोल ना आए इसलिए उसको ध्यान रखना होता है कि जितनी भी इसके लेयर हैं उनको मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर देखिए ये जो कपड़ा जो होता है ये हमारा इस तरह से सिल्क वाला होता है या हॉजरी का होता है कोई कोई मशीन उस पर नहीं चलती है तो अगर आपकी भी मशीन पे इस बात की दिक्कत है या परेशानी है तो आप वहाँ पर चौदह नंबर की निडल लगा सकते हैं तो आपकी मशीन वहाँ पर चल जाएगी नॉर्मली मेरी मशीन तो चल जाती है बाई चांस कोई कपड़ा होता है जिसपे नहीं चलती है और मेरे पास तो देखिए इस टाइम पे अम्ब्रेला मशीन है जब छोटी मशीन थी हाफ सेटल मशीन थी तो उस पर भी दिक्कत होती थी तो मैं वहाँ पर क्या करती थी पेपर रख लेती थी और उसके बाद में इसमें सिलाई लगा देती थी तो अगर आपके साथ में भी ये दिक्कत होती है तो आप भी इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं लेकिन स्टोन को निकालना मत भूलिएगा और जो नीचे से स्टेप होती है हमारी डोरी होती है उसको भी आप जरूर से सीधा कर उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाइएगा तो देखिए एक मुझे यहाँ पर गाउन की है तो फिटिंग मैं कर ही रही हूँ आप देख ही रहे हैं साथ ही साथ मुझे एक लहंगे की फ़िटिंग करनी है और एक नायरा कुर्ती है उसकी भी मुझे फ़िटिंग करनी है अम्बरेला उसके साथ में नीचे का जो प्लाजो है वो अम्ब्रेला है स्कर्ट है उसकी भी फिटिंग करनी है तो इसी तरह से सारा जो काम है मैं कम्प्लीट कर लूँगी उसके बाद फिर मैं सोऊंगी और ऐसा ही काम होता है मेरा कि अगर दिन में कोई काम रह जाता है मैं करने से और अर्जेंट मुझे देना भी होता है साथ ही साथ मेरा पर्सनली भी काम होता है वो भी मुझे करना होता है तो देखिए लेट नाइट काम तो करना ही पड़ेगा जिम्मेदारी ली है तो देखिए उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा और अक्सर क्या होता है जब अगर मैं काम करने में लेट हो जाती हूँ तो कस्टमर लेने नहीं आते हैं यहाँ पर देखिए गाउन की फिटिंग हो चुकी है और जब मैं फिटिंग करके कंप्लीट करके रख देती हूँ तो कस्टमर नहीं आते हैं जब नहीं हुआ होता है तो वो आ जाते हैं तो इसलिए मैं अपना काम पहले से ही कंप्लीट कर लेती हूँ अभी कोई दिक्कत हो या परेशानी हो वो चीज़ एक अलग हो जाती है वो तो देखिए बता के कुछ नहीं आता है तो यहाँ पर हमारी इसकी फिटिंग हो चुकी है इसको रखते हैं हम एक साइड अब दिखाती हूँ जो नेक्स्ट है उसकी हमें फिटिंग करनी है तो यहाँ आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं इनको कपड़ों को ठाक के रखते हैं हम काउंटर पे सुबह दुकान हमें खोलनी नहीं है तो इसलिए इसको मैं काउंटर पे रख दे रही हूँ और जो हमें कपड़े फिटिंग करनी है वो मैं तो यहाँ पर निकाल ले रही हूँ तो यहाँ पर नायरा की फ़िटिंग करनी है मुझे और यहाँ पर फिटिंग करनी है मुझे लहंगे की तो दिखाते हैं कितनी फिटिंग होनी है वीडियो देखिए फ्रेंड्स बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊँगी लेकिन फिर भी किस पे हमें किस तरह से यहाँ पर फिटिंग करनी है किस तरह का हमारा नायरा है ये बताने वाली हूँ आपको तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लहंगा और नायरा दिखाती हूँ कि किस तरह का है डिटेल वीडियो देखने के लिए आप मेरे बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ पर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखने को जरूर मिल जाएगी कि किस तरह से हमें लहंगे की फिटिंग करनी है और किस तरह से हमें इस तरह की जो नायरा होती है वो फिटिंग करनी है अभी ये जो नायरा है ये भी हैवी साइज में है यानी कि ये चवालीस इंची का है और देखिए इसमें स्कर्ट में एक साइड में हुक लगा हुआ है इसकी हमें एक साइड से कमर को लूज करना है और साइड से इसमें चेन है तो मैं एक साइड से ही इसको करूँगी क्योंकि इतना कस्टमर यहाँ पर मुझे कॉस्ट नहीं दिया था फिटिंग के लिए तो फिर मैं इतना नहीं करूँगी और यहाँ पर नॉर्मली जिस तरह से हम फिटिंग लगाते हैं वही लगा दूंगी अब देखिए हैवी साइज़ में है ये और इसको स्मॉल साइज में बनाना है तो यहाँ पर कस्टमर ने जिस तरह से मुझसे बोला है मैं उतना ही करूँगी इसकी स्लिप को भी हमें छोटा करना है ये आपको दिखा दिया अभी दिखाती हूँ मैं आपको लहंगा ओपन करके कि लहंगा हमारा किस तरह से है और इसकी साइड की जो फिटिंग होती है वो मुझे यहाँ पर लगानी है तो फ्रेंड्स ये डिटेल वीडियो मैं आपके साथ में शेयर नहीं करूंगी डिटेल वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप मेरे प्य चैनल पर देख सकते हैं वहाँ पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा किस तरह से हमें लहंगे की यहाँ पर फिटिंग लगानी है सिलाई लगानी है किस तरह से हमें नायरा की फिटिंग करनी है तो यहाँ पर देखिए ये लहंगा मैं आपको दिखा दे रही हूँ मुझे तो खैर इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है ज़्यादातर इसी कलर में आते हैं ये और देखिए इसके साथ में रोपट्टा और जो चुनरी होती है वो भी यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि कस्टमर ने निकाली नहीं है तो वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे वीडियो आप कहां से देख रहे हैं देखिए लहंगे का वर्क कितना प्यारा है यहां पर इस तरह का सिंपल सा इस तरह से लाइनिंग में वर्क दे रखा है कलियों में बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये और इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है कुछ तो कलर इसका लाइटिंग में यहां पर बहुत प्यारा लग रहा है और आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और देखिए इसी तरह की पूरा पूरा बातें करते करते हमारा टाइम कब निकल गया पता ही नहीं लगता है इतनी सारी बातें हो जाती है इतनी कम टाइम में मैं इतनी सारी बातें आपसे कर लेती हूँ आप लोग बोर तो नहीं होते मेरी बातें सुन के अगर बोर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा अभी देखिए कंप्लीट करके मिलती हूँ मैं आपसे सारा कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ आ चुके हैं फ्रेंड्स मैं कमरे में सारी सिलाई वगैरह मैंने कंप्लीट कर दी है और रात के बज रहे हैं टाइम दिखाती हूँ आपको कितना टाइम हो रहा है टाइम देखिए यहाँ पर हो रहा है साढ़े ग्यारह और ये देखिए साढ़े ग्यारह बजे मेरा काम ख़त्म हुआ है क्योंकि कपड़े मुझे देने थे और सुबह मुझे जाना है थोड़ा सा किसी काम से और कस्टमर आएंगे कपड़े लेने तो इसलिए मैंने वो कंप्लीट कर दिया है अभी यहाँ पर मैं अपना जो काम है काम क्या है बिस्तर लगाऊंगी और थोड़ा सा मुँह पे कुछ क्रिस्टिन वगैरह लगा लूँगी जैसे कि जो ड्राईनेश होती है दिन में तो इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे थोड़ा सा केयर करने की तो मैं वो लगा लेती हूँ उसके बाद फिर मैं लेटती हूँ और गुड नाइट टेक केयर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लेपा बाय टेक केयर गुड नाइट